सिम्स अस्पताल ने आधुनिक तकनीक TAVR यानी कि ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट का उपयोग करके गुजरात राज्य के चिकित्सा क्षेत्र में एक अनोखी सिद्धि प्राप्त की है, जिसमें सर्जरी के बिना नए वाल्व का इम्प्लांट किया गया। अप्रैल 10, 2017 के दिन सिम्स अस्पताल अहमदाबाद में एक मरीज को एओर्टिक स्टेनोसिस के लिए ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट तकनीक का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक इलाज किया गया, जिसमें सर्जरी के बिना पैर के द्वारा हृदय में नए वाल्व का इम्प्लांट किया गया। मरीज जिनकी उम्र 57 साल थी वह मुंबई में थे और लिवर ट्रांसप्लांट की प्रतीक्षा में थे, तब ही उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें तीव्र एओर्टिक स्टेनोसिस था। एओर्टिक स्टेनोसिस एक बहुत ही सामान्य एवं सबसे गंभीर वाल्व रोग के संबंधी समस्या है। एओर्टिक स्टेनोसिस तब घटित होता है जब हृदय का एओर्टिक वाल्व संकुचित हो जाता है। यह संकोचन वाल्व को संपूर्ण रूप से खुलने में बाधा रूप बनता है, जो रक्त प्रवाह को हृदय से एओर्टा तक पहुंचने नहीं देता, जिससे रक्त शरीर के बाकी हिस्सों तक नहीं पहुंच पाता। मरीज को लिवर और एओर्टिक वाल्व में तीव्र रोग होने के कारण ओपन सर्जरी या ट्रांसप्लांट कर सके वैसी स्थिति नहीं थी। लिवर ट्रांसप्लांट का इंतजार करते हुए भी परिवार के सदस्यों ने फिर मुंबई से सिम्स अस्पताल अहमदाबाद आने का निर्णय लिया। 102 वजन वाले मरीज के पेट में पानी होने की वजह से उनकी शारीरिक स्थिति और बिगड़ सकती थी, मगर सिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने अपने कौशल्य से पैर की नस में छोटा सा चीरा लगा के हृदय में नया कृत्रिम वाल रख के ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल रिप्लेसमेंट किया। मरीज महज 12 घंटों में ही नए वाल्व के साथ स्वस्थ हो गए। लिवर या हार्ट सर्जरी में 50% जितना मृत्यु का जोखिम रहता है, मरीज अब लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और इसके लिए अब वह मुंबई भी जा सकते हैं।